हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में SNGAD का पेपर जो 2018 में हुआ था असिस्टेंट का, उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड बाय। 1973 की आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान को जो इलेक्ट किया जाता है, कौन इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, ये तीनों मिलकर जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन करते हैं। और इसमें लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो उनको जो सिलेक्ट किया जाता है या जो इलेक्ट किया जाता है, वो सिर्फ नेशनल असेंबली की जानिब से इलेक्शन उनकी होती है। बट प्रेसिडेंट के लिए नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट, इन सब का वोट होना लाजमी है। और प्रेसिडेंट के लिए जो मिनिमम एज है वो 45 होना चाहिए। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड ऑन 4 अप्रैल 1949 एज अ मिलिट्री अलायंस। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको नेटो भी कहा जाता है, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस इसको समझा जाता है। और इसे 4 अप्रैल 1949 को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में बेल्जियम में लोकेटेड है। 32 इसके मेंबर कंट्रीज हैं, 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। लेटेस्ट इसका मेंबर स्वीडन बना है 2024 में। इंग्लिश लैंग्वेजेस जो इसकी हैं ऑफिशियल, वो 2 हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है और तुर्की भी इसका मेंबर है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय अहमद जी चावला। अहमद जी चावला ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बनाई थी और इनका फुल नाम था अहमद गुलाम अली चावला। और इनको लिखा था नेशनल एंथम को, पाकिस्तान के जो नेशनल एंथम है कौमी तराना, इसको लिखा था हफीज जालंधरी ने 1952 में। एडाप्ट इसको 13 अगस्त 1954 में किया गया था। इसमें 15 टोटल लाइनें हैं, 48 वर्ड्स हैं। और ये पहली मर्तबा ईरान के लीडर रजा शाह जो है ने पहलवी के सामने ये पेश किया गया था, इसको चलाया गया था। इसका जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया है, वो 80 सेकेंड है। 80 सेकेंड और यानी कि 1 मिनट 20 सेकंड का दौरानिया है। और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, इसका एक वर्ड सिर्फ उर्दू में है, बाकी पर्शियन लैंग्वेज में है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। द फेमस इटालियन साइंटिस्ट एलाजेंड्रो वोल्टा इज रेनाउड फॉर इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी को इन्होंने इन्वेंट किया था, एलेजेंड्रो वोल्टा इनका नाम है। और इन्होंने 1800 में जो है 1800 ईस्वी में जो है वो इलेक्ट्रिक बैटरी को इन्वेंट किया था। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज अबाउट नमाज। कयामत के रोज सबसे पहले मुसलमान से जो हिसाब होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज का जिक्र कुरान मजीद में 700 मरतबा आया है। नमाज जो है वो 10 नबी को फर्ज हुआ था, लेकिन नमाज जुम्मा जो है ये 2 हिजरी को फर्ज हुआ था, और वो 10 हिजरी को फर्ज हुआ था नमाज। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय अ रेन ऑफ स्टोन। सो इसका करेक्ट आंसर हजरत लूत अलैहि सलाम है। हजरत लूत अलैहि सलाम जो हजरत लूत अलैहि सलाम की जो कौम थी वो हम जिन्स परस्ती में मुलविस थी। तो अल्लाह ने इन पर जो है वो अजाब नाजिल किया और इन पर पत्थरों की बारिश हुई, रेन ऑफ स्टोन्स। विच एंजल इज अपॉइंटेड फॉर प्रोवाइडिंग रेन फूड। सो इसका करेक्ट आंसर है हजरत मीकाईल अलैहि सलाम। 4 अहम जो एंजल्स हैं इस्लाम में, जो फरिश्ते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम था अल्लाह ताला की तरफ से प्रॉफिट्स की जानिब जो पैगामात हैं उनको कन्वे करना, या वही है उन वो जो है कन्वे करना। और हजरत इसराफील जो हैं ये जो है कयामत के रोज़ सूर फेंकेंगे। और हजरत इज़राइल जो है ये जो है रूह कब्ज़ करते हैं। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है ये बारिश के लिए और रेन के लिए और फूड के लिए है। ड्यूरिंग ड्राउट विच नमाज इज परफॉर्म। ड्राउट के दौरान, खुश्क साली के दौरान, बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का, सलाते इस्तिस्का जो है वो अदा की जाती है। और इसके साथ साथ नमाज खसूफ जो है ये लूनर एक्लिप्स के वक्त अदा की जाती है। नमाज कसूफ जो है ये सोलर एक्लिप्स के वक्त अदा की जाती है। किताबुल आसार जो है ये इमाम अबू हनीफा ने लिखा था। अ टेम्पल कॉल्ड द श्री दलादा मेली गावा, टेम्पल ऑफ द सेक्रेट टूथ रेलिक, क्लेम्स टू हैव अ टूथ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा वेयर दिस प्ले
टेम्पल लोकेटेड, ये टेम्पल जो है कैंडी में, कैंडी एक जगह है श्रीलंका, वहां लोकेटेड है। टेकला मकन डेजर्ट, टेकला मकन डेजर्ट ये एक डेजर्ट है, सहरा है, रेगिस्तानी इलाका है, ये चाइना में लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है। डिक्सन इज दी सी पोर्ट ऑफ, डिक्सन एक सी पोर्ट है जो कि मलेशिया में लोकेटेड है। और अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को तीन दरिया दिए गए थे, उनमें इंडस, जेहलम और चनाब शामिल थे। इंडस वाटर ट्रीटी जिसको जो है सिंध तास मुआहिदा भी कहते हैं, इसका जो ब्रोकर हुआ था, जो गारंटी दी थी वो वर्ल्ड बैंक ने दी थी और ये 19 सितंबर 1960 को कराची में साइन हुआ था। इंडिया की जानिब से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की जानिब से अयूब खान ने इस पर सिग्नेचर किए थे। तीन दरिया पाकिस्तान को मिले थे इस एग्रीमेंट के मुताबिक, तीन दरिया जो है वो इंडिया को, पाकिस्तान को इंडस, जेहलम और चनाब, जबकि इंडिया को सतलज, बियास और रावी जो है वो दिए गए थे। पिकासो अ फेमस पेंटर, स्कल्टर एंड स्टेज डिजाइनर बिलोंग टू विच कंट्री, सो ये एक पिकासो इनका नाम है, नाम था, और ये मशहूर पेंटर थे और ये जो है स्पेन से ताल्लुक रखते थे, स्पेन, और ये 1973 में इंतकाल कर गए। इनका कंप्लीट नाम है पेब्लो पिसाको। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की जो करेंसी है वो युआन है, यन जापान की है और चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग, टीचिंग का जो टीचिंग के रिलेटेड जो स्टडी है उसको पेडागोजी कहा जाता है, तालीम और तदरीस के पेशे को जो है वो पेडागोजी कहा जाता है। और इसमें बताया जाता है कि टीचिंग कैसे किया जाए, टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज के बारे में इस जो है ना वो इसमें बताया जाता है, इस सब्जेक्ट में बताया जाता है। गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल इज कॉल्ड, अमीर लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है, जिसको धन राज भी कहते हैं। इफ यू फाइंड अ सिंगल सोल्यूशन फॉर टू प्रॉब्लम्स इट इज सेड दैट यू हैव किल्ड टू डैश विद वन स्टोन, टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सो ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि दो प्रॉब्लम्स, दो गोल्स को आप एक ही जगह पर एक ही एक्शन के लिए जो है वो एक ही दो प्रॉब्लम्स को एक ही जगह हल करते हैं या जल्दी हल करते हैं, तो फिर कहा जाता है टू किल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये जो है एफिशिएंसी को दिखाने के लिए, काबिलियत को दिखाने के लिए ये इंग्लिश का जो है इडियम यूज होता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1973 की आइन में 280 आर्टिकल्स हैं, इसमें जो आर्टिकल 9 है ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये जो है ना बेसिकली ये जो आर्टिकल 9 है ये जो पाकिस्तानी जो अवाम है इसकी सिक्योरिटी की जमानत देता है, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर, 1965 वार जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ था, 65 दिन ये दिन जंग जारी रहा, 65 सॉरी मैं गलत कह गया हूँ, 65 की जो जंग है ये 17 रोज जारी रहा, 65 की जंग 17 रोज, 1965 की जो जंग है पाकिस्तान इंडिया दरमियान ये 17 रोज जारी रहा। और इस वक्त पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे ये अयूब खान थे, लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया पाकिस्तान के अयूब खान प्रेसिडेंट थे। और इसके बाद जो है वो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था 10 जनवरी 1966 को, फिर जो है वो एक पीस एग्रीमेंट था, फिर 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री इंतकाल कर गए थे। असबाबे बगावते हिंद ये एक बुक है, इसको सर सैयद अहमद खान ने लिखा है और ये पहली मरतबा उर्दू लैंग्वेज में 1859 में पब्लिश हुआ था। इसका इसको इसमें लिखा किया गया है टू एनालाइज द रीजंस फॉर द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 में जो इंडियन रिवोल्ट हुआ था, जिसको जो है वो इंडियन म्यूटिनी भी कहते हैं, पहली जंगे आज़ादी भी कहते हैं, ये क्यों हुआ था, इसकी रीजंस क्या थे, इस पर सर सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखी असबाबे बगावते हिंद। पाकिस्तान पीस कीपिंग ट्रूप्स हैव सर्व्ड अंडर यूनाइटेड नेशंस इन कांगो, हेटी, सेरा लियोन, इन तीनों मुल्कों में पाकिस्तान की जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं उन्होंने सर्व कर चुके हैं। और इल्मी और लुगत के मौलफ का नाम क्या है, वारिस सरहंदी इसका करेक्ट ना आंसर है।
उर्दू अदब का सबसे बड़ा जासूसी नावल निगार कौन है? इब्ने सफी इसका करेक्ट आंसर है। दर्ज ज़ैल में से दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। मैं रमज़ान में आऊँगा, ये जुमला ठीक है। मैं रमज़ान के महीने में आऊँगा, ये जुमला गलत है, बाकी सब गलत है। तीन हरूफ भेजना, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है लानत भेजना। दिन रात सुबह और शाम, ग्रामर की रूह से क्या है? ज़र्फ़े ज़मां, ज़र्फ़े ज़मां इसका करेक्ट आंसर है। मलिकुल शेर खान बहादुर शम्सुल उलमा के अल्फाज कवायद की रूह से क्या कहलाते हैं? खिताब ये कहलाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लकब किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, कुनियत किसे कहते हैं, उर्फ कैसे कहते हैं, ये उर्दू ग्रामर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जूतियाँ चटखाना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है मारे मारे फिरना। दर्द मंत कश दवा ना मैं ना अच्छा हुआ ना मैं बुरा हुआ, ये किसका शायर है? ये मिर्जा गालिब का शायर है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब जो है वो कब पैदा हुए थे, ये भी एक मरतबा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्हेन वाज मिर्जा गालिब बोर्न, हाथ कंगन को आरसी क्या से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि जाहिर की बात के सबूत की जरूरत नहीं। फाइव स्टार मूवमेंट वाज द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इन द जनरल इलेक्शन 2018 हेल्ड इन इटली। इटली में जो 2018 में जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उसका नाम था फाइव स्टार मूवमेंट। फाइव स्टार मूवमेंट। फॉकलैंड्स आइलैंड वर रिकैप्चर्ड बाय द ग्रेट ब्रिटेन इन विच ईयर? 1982 में फॉकलैंड्स आइलैंड को बर्तानिया ने रिकैप्चर कर लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट 25 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस हैव बीन प्रिवेंटेड इन द पास्ट डेकेड रिपोर्टेड इन मार्च 2018 बाय। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर यूनिसेफ है। यूनिसेफ ने मार्च 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा है कि 25 मिलियन चाइल्ड मैरिज जो छोटी उम्र में बच्चों की शादी की जाती है उनको हमने रोका है, या जो हमारी टीम है या हमारी वजह से जो है उनको प्रिवेंट किया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और इसे 11 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। द टॉक्स विच लेड टू द कैंप डेविस एग्रीमेंट्स वर होस्टेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ने ये 1978 में जो है वो इजिप्ट और इसराइल के बीच जो एग्रीमेंट्स कराए थे, तो जिमी कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट थे उस वक्त। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन यूएसए में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का फुल फॉर्म है। ये 27 दिसंबर 1945 को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके 190 मेंबर कंट्रीज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। डू यू नो अनलेस वी टेक एक्शन आवर ओशंस विल कंटेन मोर प्लास्टिक देन फिश बाय 2050। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई उनमें बताया गया है कि अगर हम एक्शन ना लें तो ओशंस जो हमारे समंदर हैं इनमें 2050 तक मछलियों से ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक होगा। सो ये एक जो है एक अलार्मिंग जो है ना एक रिपोर्ट बताई गई है। अकॉर्डिंग टू GFP इंडिया करंटली स्पेंड्स 151 बिलियन US डॉलर ऑन द मिलिट्री विच इज़ मोर देन वट पाकिस्तान डज मोर बाय 8 times। 8 times इसका करेक्ट आंसर है। विच टीम वन द टेस्ट सीरीज हेल्ड इन UAE बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान इन अक्टूबर 2017। सो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर है। श्रीलंका ने जो है ये विन किया था टेस्ट सीरीज जो कि UAE में हुआ था और पाकिस्तान को फाइनल में जो है इन्होंने शिकस्त दी थी श्रीलंका ने। एशियन गेम्स जो है ये हर 4 साल के बाद मुनक्द किए जाते हैं। पहली मरतबा एशियन गेम्स 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में मुनक्द हुए थे, और इसके साथ साथ इसको ऑर्गेनाइज करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। विच प्लेइंग डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नेशनल चैंपियन इन वॉलीबॉल गेम? सो पाकिस्तान वाबडा इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द वेट ऑफ जेवलिन थ्रो फॉर फीमेल? जो जेवलिन थ्रो है जो नेजा है इसमें जो खवातीन के लिए है इसकी जो वेट है वो कितना है? वो 600 ग्राम है। जो मेल है उसके लिए 800 ग्राम है, जो फीमेल है उसके लिए 400 ग्राम है। बैडमिंटन गेम में जो पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 21 पॉइंट्स होते हैं। और जो प्लेयर होता है उसको जो है ये विन करने के लिए 21 पॉइंटों की ज़रूरत होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू ब्लैक सी? तो इसका करेक्ट आंसर जॉर्जिया है। जॉर्जिया हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू।
ब्लैक सी। गांधी जिना टॉक्स 1944 में जो हुए थे ये किस वजह से फेल हुए थे? टू नेशन थ्योरी की वजह से, क्योंकि गांधी ने जो है वो रिफ्यूज किया था कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा लाहौर रेजोल्यूशन को और टू नेशन थ्योरी को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसीलिए गांधी जिना टॉक्स जो है ये नाकाम हो गए थे। आसारुल सनादीद, आसारुल सनादीद ये एक बुक है, इसको भी सर सैयद अहमद खान ने लिखा है और ये 1847 की बात है और इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में लिखा गया है। अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, पाकिस्तान में इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं और इसमें जो है सिक्योरिटी का कोई इशू हो या फिर कोई वार का इशू हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, जो है बैरूनी कोई मुदाखलत हो या कोई जारियत हो या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। द फर्स्ट सिख वार इन 1845 वाज फॉट बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिश, पहली जो एंग्लो सिख वार हुई थी ये अंग्रेजों और सिखों के दरमियान हुई थी 1945 में, फेरोज शाह डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब में है वहाँ ये जंग हुई थी और इसको फर्स्ट एंग्लो वार के नाम से जाना जाता है। उस वक्त इंडिया के जो जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम लॉर्ड हार्डिंग था। द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ अयूब खान, अयूब खान की गवर्नमेंट में जो सेटल हुआ था बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, ये अयूब खान के टाइम में हुआ था 1963 की बात है। करंट जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान सेनेट के ये सादिक संजरानी हैं, बट ये 2018 का पेपर है तो 2018 के पेपर में सादिक संजरानी करेक्ट आंसर है। करंट जो चेयरमैन सेनेट हैं इनका नाम यूसुफ रजा गिलानी है और ये 9th नंबर के जो है वो चेयरमैन सेनेट हैं। इसके साथ साथ जो सादिक संजरानी थे वो 8वें सेनेट चेयरमैन थे। पीपीपी से यूसुफ रजा गिलानी ताल्लुक रखते हैं और ये 9 अप्रैल 2024 को सेनेट ऑफ पाकिस्तान के 9वें चेयरमैन जो है वो मुंतखब हुए हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इसे अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान कहा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है और जो सरबराह होता है सेनेट का उसको जो है वो चेयरमैन सेनेट कहते हैं, जो सेनेट का मेंबर होता है उसको सेनेटर कहा जाता है। इसके साथ साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करंट जो मेंबर्स की तादाद है वो 96 है। 1973 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेनेट को और इसके 96 मेंबर जो मेंबर्स हैं करंटली। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ था ये लियाकत अली खान ने पास किया था, प्रेजेंट किया था, करारदाद मकासिद इसको कहते हैं, 12 मार्च 1949 को इसे जो है वो प्रेजेंट किया गया था। अंजुमन हिदायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1884 विद द ऑब्जेक्टिव टू डिफेंड इस्लाम अगेंस्ट द ऑनस्लॉट्स ऑफ द मिशनरीज एंड प्रोवाइड वेस्टर्न एजुकेशन अलॉन्ग विद रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये मुंशी चिरागुद्दीन ने ये पहली मरतबा आइडिया दिया था कि हम अंजुमन हिदायत इस्लाम को इस्टेब्लिश करेंगे। फर्स्ट जो इसका प्रेजिडेंट था वो था काजी खलीफा हमीदुद्दीन। सो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ असिस्टेंट SNGAD के लिए हम 3000 MCQs की सीरीज एक लाना चाहते हैं। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं और इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03025330। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।